बंगाल में जिस तरह के हालात हो रहे हैं ये आप सभी को पता है। ये देखिए यहाँ पे और कुछ वीडियो आए हैं किस तरह से यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे निकल रहे हैं और यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन सभी घरों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने भी भाजपा का प्रचार किया था, चाहे झंडा लगाया था या फिर भाजपा के लिए काम किया था। बहुत ही विकराल स्थिति बनी हुई है वहां पे बंगाल के अंदर। बात करें काफी सारे जो कार्यकर्ता है उनके हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया गया है टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा, और काफी सारे वहां पे शांतिप्रिय समुदाय के लोग भी शामिल है। ऐसे में बहुत ज्यादा भय का माहौल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बंगाल में लोगों ने खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वहां पे काफी सारे एक जयचंद भी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे जिन्होंने वोट दिया टीएमसी को भाजपा को हराने के लिए, उसका परिणाम देखिए अभी क्या हो रहा है। देखो भारतीय पार्टी जनता আমাদের 8 নম্বর 23 নম্বর বুথে 38 নম্বর বুথে সবাই দেখো হামলা করতে আসছে মুসলিমরা, এইভাবে তাড়াতাড়ি পারলে তোমরা কিছু করো, এই মুহূর্তে আমাদের কিভাবে হামলা করতে আসছে। वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भी लोग जा रहे हैं ये कोई रोहिंग्या यहाँ से नहीं जा रहे, रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ से भगाना था लेकिन उल्टा हिंदू जो लोग हैं वहाँ पे वही यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं। एक नहीं दो नहीं ऐसे हजारों लाख कम से कम ऐसे हिंदू है जो वहाँ से घर छोड़ चुके, जो उनकी पुश्तैनी जो जमीन थी उसको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए क्योंकि वो संगठित नहीं है। इतना होने के बावजूद भी वो संगठित नहीं है कि सब मिलके एक हो जाए, लेकिन सब जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं। अब आप सोचो कि बंगाल को छोड़ के वो कहाँ जाएंगे, आखिर संगठन क्यों नहीं है इनके अंदर। दूसरी चीज, अगर वो विश्वास करें कि कोई पार्टी आके उनको अभी रातों रात बचा लेगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे में सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, सबको संगठित रहना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। ऐसे में जो अभी यहाँ पे हालात है देखिए किस तरह से लूट खसोट चल रही है, ये चल रही है उसको देख के अभी यहाँ पे काफी चिंताजनक माहौल है। और ऐसे में सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यूं छोड़ के ना जाएं और सब संगठित रहे और अब जल्दी कुछ होगा ताकि आप सब बच सके। आपका क्या कहना है इस मामले में नीचे कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा शेयर करना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटे के निशान को दबा देना ताकि अल्लाह हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।